अगर मैं गलत हूं तो मुझे वो कहीं ना कहीं दिखे तो सही कि कहते हैं सर मैं मर जाना चाहता हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई गवा दी है, मेरी माँ के इलाज के जो पैसे थे हार्ट ऑपरेशन के वो भी सब चले गए इस फ्रॉड में। ग्राफिक कार्ड इंडिया आता है कस्टम ऑफिस में, उसको रोक लिया जाता है। तो मेरे पास वीडियो कॉल आते रहे आते रहे। अब भाई को ही यहाँ पे मिल रहा था 6-7 हज़ार रुपये के आसपास में, तो भाई इस लालच में आ गए। सर ये रिव्यू जो हैं ये इमेजेस हैं, आपका जो पैकेज है सर एक बात बताओ वो वर्ल्ड टूर पे तो नहीं निकल गया कहीं? मैंने 110 से लेके मकान नंबर बिल्डिंग नंबर 140 तक चेक करा, मुझे कहीं भी इस नाम की कोई कंपनी नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ पे मैं फाइट कर रहा हूँ लगातार ऑनलाइन स्कैमर्स के साथ, ताकि आप सभी लोगों को, चाहे आप मुझे जानते हो या नहीं, मैं बचा पाऊँ ऑनलाइन चल रहे फ्रॉड्स और स्कैम से। एक ज़माना हुआ करता था जब लोगों के साथ पैसे छीनने के लिए क्या होता था कि लोग रोड पर खड़े हो जाते थे, जो गुंडे होते थे, चोर होते थे, और फिर पैसे छीनते थे। और उन लोगों को बचाने के लिए हम, जिन किसी के साथ ऐसा ना हो, हम क्या करते थे, ग्रुप में चलना शुरू कर दिया हमने रात को, वहाँ पे लोगों को अवेयर करना कि भैया यहाँ छीना झपटी होती है। आज हालात अलग हैं, आज का आप सिनेरियो देखेंगे तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि ये मेरा फ़ोन है जिसमें मैं अभी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हो सकता है कि एक स्कैमर ने मुझे कोई एक लिंक भेजा हो, एक वेबसाइट फ्रॉड बना के मुझे कोई ऑफर दिया हो, या कुछ भी ऐसा जिससे मेरे अंदर लालच आ जाए कुछ भी, और मैं उस लिंक पे क्लिक कर दूं या उस वेबसाइट पे पेमेंट कर दूं बिना सोचे समझे और मेरे सारे पैसे चले जाएं। तो ये चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन लोगों को बचाने का तरीका अब भी सेम है। पहले हम लोगों को अवेयर करते थे, उनके साथ जब मिलते थे बातचीत करते थे, आज हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन स्कैम्स के बारे में बताने के लिए किस तरीके से, इस वीडियो को शेयर करके। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना योगदान इस कैंपेन #NoMoreScam में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अलग अलग स्कैम्स हमारे देश में चल रहे हैं और इन स्कैम्स की वजह से हालात ऐसे होते जा रहे हैं दिन पे दिन कि लोग आत्महत्या करने तक के बारे में मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कहते हैं सर मैं मर जाना चाहता हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई गवा दी है, मेरी माँ के इलाज के जो पैसे थे हार्ट ऑपरेशन के वो भी सब चले गए इस फ्रॉड में, और ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं और मैं बचाना चाह रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एटलीस्ट आप मेरी वीडियोस देखिए पुरानी, उनको कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और हम ज़्यादा लोगों को इन स्कैम से बचा पाएँ। तो आज की जो वीडियो है ये मेरे को एक बच्चे ने भेजी है बैंगलोर से। बच्चे हाँ एक्चुअल में बीटेक या 12th क्वालिफाई करी है उन्होंने, और वो अभी अपना खुद का कंप्यूटर वगैरह असेंबल करने की ट्राई कर रहे थे। आप कंप्यूटर के पार्ट्स क्या आप इंडिया में देखोगे तो कोविड के बाद अचानक से ग्राफिक कार्ड्स और जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, प्रोसेसर वगैरह हैं, इन सब के प्राइस में एक बहुत बड़ा हाइक आया है। तो लोगों ने क्या सोचा कि हम ऑनलाइन इंडिया मार्ट, अलीबाबा जैसी बहुत बड़ी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। तो भाई के पास अलीबाबा पे तो ट्रस्ट करने का कोई रीज़न था नहीं, तो भाई ने क्या करा, भाई ने इंडिया मार्ट पे गए और वहाँ से एक ऑर्डर परचेस करा। ऑर्डर क्या करा उन्होंने, ऑर्डर करा सर इन ग्राफिक कार्ड, एक ग्राफिक यूनिट। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा ग्राफिक कार्ड किस लिए यूज़ होता है, तो मुझे नहीं लगता उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। अब क्या होता है इंडिया मार्ट पे, आप इंडिया मार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका नंबर मांगा जाएगा कि आप अपना नंबर दे दीजिए, और या फिर आपको, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो जो उनके सेलर्स हैं आप उनका नंबर देख के उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंडिया मार्ट क्या करता है, आपका नंबर अलग अलग सेलर्स को भेज देता है। अब यहाँ पे ये बता पाना इजी नहीं होगा कि किस सेलर ने आपसे कॉल करी अगर वो आपको किसी दूसरे नंबर से कॉल बैक करता है। अब यहाँ पे होता क्या है सर, भाई का जो ग्राफिक कार्ड का ऑर्डर था वो इन्होंने इंडिया मार्ट पे दे दिया, एक बंदे का कॉल आता है। अब ये श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि वो कॉल इंडिया मार्ट के एग्जैक्टली किसी सेलर का था, बट हाँ ये श्योरिटी है भाई के मुताबिक कि उन्होंने नंबर सिर्फ अपना इस वेबसाइट पे ही दिया था ग्राफिक कार्ड के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है, भाई का ग्राफिक कार्ड आ रहा होता है मैक्सिको से। वो बंदा कहता है कि हम मैक्सिको से इंपोर्ट करा के भेजते हैं ग्राफिक कार्ड, और आपको ग्राफिक कार्ड 8 से 10 हज़ार रुपये में, जो भी प्राइस है आप आगे देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा अगर इसमें ऐड होगा। अदरवाइज एक डिटेल वीडियो इस पे और है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ग्राफिक कार्ड इंडिया आता है कस्टम ऑफिस में, उसको रोक लिया जाता है। अब कस्टम के नाम के भाई के साथ 10 से 15 हज़ार रुपये फ्रॉड हो जाता है। अब मैं आप में से उन लोगों को एक बात क्लियर कर दूं जो ये सोच रहे हैं ऐसा कोई गिफ्ट आ रहा है बाहर से,
तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, कोई भी गिफ्ट बाहर से नहीं आ रहा था, ये सब चीज़ें जो थी वो फ्रॉड करने के लिए ट्रिक करा गया भाई को, ताकि उनसे पैसे निकलवाए जा सकें। तो आप डिस्प्ले पे एक मैसेज देख पा रहे होंगे कुछ, एक्चुअली डिस्प्ले ना मैंने भी काफ़ी बड़ी परचेज़ कर ली है, जिसकी वजह से मुझे देखने में इसमें दिक्कत तो हो रही है। एनीवेज, हाय सर, आई वॉच्ड योर वीडियो, आई वॉन्टेड टू आस्क अबाउट द मैसेज विच हैज सेंड टू मी, रियल और फेक। मैं एक मैसेज के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरे पास आया था, और वो रियल है या फेक है, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो प्लीज़ सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गाइड मी, और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर भाई की लगातार, आप देख सकते हैं मेरे पास वीडियो कॉल आते रहे आते रहे। फिर मैंने कहा यार बंदा इतने कॉल कर रहा है तो ज़रूरत होगी, तो मैंने डिसाइड करा कि भाई को कॉल कर लिया जाए। मैंने आगे चैट जो यहाँ पे ऐड नहीं करी है, वहाँ उस चैट में मैंने भाई का कांटेक्ट नंबर लिया और इनको कॉल बैक करा। अब क्या होता है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर के थ्रू भाई को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करा जाता है कि हम इंडिया मार्ट पे आपने रिक्वेस्ट डाली थी इस प्रोडक्ट के लिए, हम ये सेल करते हैं। अब भाई को क्या ख़रीदना था, भाई को ख़रीदना था 12400F, इंटेल का प्रोसेसर है ये। आप में से जिनको नहीं पता मैं उनको दिखा देता हूँ, कंफर्म भी करा देता हूँ कि ये क्या है। बारह 400F, ठीक है, 12400 यानी कि 12th जनरेशन है ये, इंटेल का ग्राफिक वो सॉरी प्रोसेसर है, और इसकी मार्केट वैल्यू 16-17 हज़ार रुपये आप मान लो हैगी। अब भाई को ये यहाँ पे मिल रहा था 6-7 हज़ार रुपये के आसपास में, तो भाई इस लालच में आ गए। अब ये वो वेबसाइट है जो ये दिखा रही थी कि इनका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं। अब मैं बता दूँ आपको, ये वेबसाइट महज 1 या 2 महीने पुरानी थी स्कैम होने से, और कोई भी इतनी बड़ी कंपनी जो 2 महीने पुरानी हो ऐसे ऑफ़र आपको नहीं दे सकती है स्टार्टिंग फेज़ में। उसके बाद ये वेबसाइट आप ध्यान से देखेंगे, आगे मैंने ऐड करी तो ये वेबसाइट भी फ्रॉड थी। ट्रैक योर शिपमेंट, ओके सर, थैंक यू सो मच, और यहाँ पे स्कैमर ये सारी चीज़ें भेज दी थी, ये पैसे निकलवाने थे। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो है उस वेबसाइट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, macglobalexpress.com। अब आप इस ये इमेजेस आप देख रहे हैं, ये नेट से उठा के इन्होंने लगाई हुई है, इनके खुद के गोडाउन की नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, ये रिव्यू सर, ये रिव्यू जो हैं ये इमेजेस हैं, कोई भी रिव्यू इमेजेस में कैसे हो सकती है? आपने स्टार दिए वहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार, वो तो एक रेटिंग आ रही है ना आपकी। इन्होंने इमेज गूगल की या किसी भी और, जैसे ये फेसबुक रिव्यू या ये यल्प रिव्यू वगैरह सब उठा के इमेज यहाँ पे PNG फॉर्मेट में लगा दिए हैं, ये जेन्युइन रिव्यू नहीं है आप ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पे कोई खास ऑफिशियल फीलिंग नहीं आती इस वेबसाइट को चलाने में, सर्विस वाला बटन इनका काम नहीं करता, पॉलिसी काम नहीं करती इनकी। अब एक चीज़ देखो, जो कंपनी इंटरनेशनल डिलीवरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ पहुँचा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उस वेबसाइट की खुद की कोई प्राइवेसी पॉलिसीज ही ना हो, उसके कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, वो तो खुद ही फंस जाएगी, इतनी ज़्यादा लीगल उसके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी कि कंपनी शट डाउन हो जाए। तो इस वेबसाइट की क्यों नहीं थी, आप इस बारे में सोचते? और फिर इसका एक इंटरनेशनल हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं है नीचे, अगर आप इसका देखें तो ये बॉटम सेक्शन फुटर में आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगी जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, लेकिन फिर भी लोग पैसे दे देते हैं इन लोगों के चक्कर में आके। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये एड्रेस जो आपको दिख रहा है 123 5th एवेन्यू, पहली बात तो 123 मतलब क्या है यार, ऐसे कैसे हो सकता है इतना इजी? तो अब यहाँ तक बात सीमित नहीं रही, इस कंपनी को देखा मैंने कि स्ट्रीट व्यू पे तो नज़र आएगी एग्जैक्ट एड्रेस जो इनने दिया था। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मार्केट है लेकिन कोई कोरियर कंपनी नहीं है, जिस हिसाब की फोटो आगे आप देखेंगे इस बंदे ने ऐड करी है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको मैक ग्लोबल या जो कंपनी का नाम बता रहा है वो कहीं नहीं दिखेगी, ये फ्रॉड है पूरी तरह। और मैं आपको इसी से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने गूगल स्ट्रीट व्यू यूज़ करा, ताकि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वो कहीं ना कहीं दिखे तो सही, पर यहाँ पे तो कंपनी है ही नहीं भाई, दूर दूर तक ये रेजिडेंशियल एरिया है, बाकी जो नॉर्मल मार्केट्स होती हैं वो शॉप है नीचे। पर एक कोरियर कंपनी जिस हिसाब से ये ट्रक वगैरह आपको कंटेनर दिखा रहा है कि वहाँ पे हवाई जहाज़ वगैरह खड़े हो रहे हैं, वो एरिया तो ये नहीं है जो इसने वेबसाइट का, इसका कॉरपोरेट ऑफिस भी कहीं नहीं दिख रहा, और हम एकदम सही एड्रेस पे सर्च कर रहे हैं, यानी कि मैंने 110 से लेके मकान नंबर बिल्डिंग नंबर 140 तक चेक करा, मुझे कहीं भी इस नाम की कोई कंपनी नहीं मिली जहाँ पे भाई ने ये पेमेंट कर दी। तो ये तो डिटेल थी इस वेबसाइट के बारे में कि ये फ्रॉड है पूरी तरह। अब ये देखो, ये आप बिल देख रहे हो यार, एक चीज़ बताओ,
इस बिल में कहीं आपको टैक्स का टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दिख रही हो या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रूफ करती है कि ये इंटरनेशनली डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये फेक जनरेट की हुई एक इनवॉइस है। आप किसी भी वेबसाइट में ऐसे कोड ऐड कर सकते हैं, स्पेशली वर्डप्रेस की जो थीम होती है उनके अंदर। अब स्टेटस ऑन होल्ड है और ये हमेशा होल्ड पे ही रहेगा जब तक तो भाई से ये अच्छा खासा अमाउंट ना निकलवा लें। कैरियर रेफरेंस नंबर, ये सब फेक है, ये इन्होंने रैंडमली जनरेट कर दिया। अब ये देखो, पिकअप डेट 7 तारीख और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 11 तारीख, 5 दिन के अंदर ये पहुंचा रहे हैं। यानी कि एक चीज़ तो है कि इस भाई ने मेरी एक एडवाइस फॉलो करी स्कैम करने वाले ने कि 2 दिन में प्रोडक्ट मत पहुंचाओ, थोड़ा टाइम लगाओ। लेकिन 5 दिन में भी प्रोडक्ट नहीं आता, इट विल टेक अराउंड 1 to 2 week। 2 week तो एटलीस्ट लगेंगे आप मान के चलो, क्योंकि मेरे काफ़ी चीज़ें हैं, हम लोग जो ऑनलाइन का अपना काम है, तो अपना क्या मेरे दोस्त का काम है, तो वो जब भी प्रोडक्ट मंगवाता है कहीं से भी बाहर से तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर करा और वो आ गया यहाँ पे चीज़ें। अब एक उससे बड़ी चीज़ इंडिया, अब यहाँ देखो इसका भाई का प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, शिपमेंट के थ्रू आ रहा है, तो सर 1 हफ्ते से ज़्यादा लगना था। पहली चीज़ ये समझो उन्होंने कैसे भेज दिया ये 5 दिन के अंदर, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। अब ये प्रोडक्ट आ कैसे रहा है, इसके हिसाब से इन्होंने कहा कि ये आ रहा है आपका समुद्र के रास्ते से। चाय ठंडी हो गई थी यार। तो कैसे आ रहा है ये, लोकेशन क्या थी इसकी, सबसे पहले देखते हैं। 7 तारीख मैक्सिको, मैक्सिको में, फिर वेनेजुएला, माली, निगर, सूडान, इंडिया। अब एक बार मैप देखो आप, जब आपने पेमेंट करते हैं ना आप, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये रहा हमारा मैप यार। अब यहाँ पे सबसे पहली लोकेशन है मैक्सिको, ठीक है मैक्सिको। अब मैक्सिको से दूसरी लोकेशन कहाँ पे थी अगर हम देखें तो, मैक्सिको के बाद वेनेजुएला, और ये कहाँ पर है सर, यानी कि पहले प्रोडक्ट आपका यहाँ, फिर दूसरी बार में यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाद फिर तीसरी लोकेशन क्या है आपकी, माली। अब सर माली आपको पता होगा कहाँ है, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ कहीं माली है, MALI, मिल जा माली आपका ये रहा। फिर प्रोडक्ट आपका जो है यहाँ पे आ रहा है, माली आ गया। अभी देखो कैसे घूम रहा है ये NIG, यार पता नहीं है कौन सी कंट्री है, नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। अभी आप देखते जाओ, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपका पागल बनाया जा रहा है, और आप लोग लॉजिक ही नहीं लगा रहे हो कि ऐसे कैसे आ रहा है, इनके ट्रैकिंग में इतनी गलती है, लूप हॉल है। हो सकता है ये वीडियो स्कैमर्स भी देखते हैं, मैं आप लोगों की जानकारी को बता दूँ, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस तरीके से ना आए तो भी आप उसको जेन्युइन मत समझना। और फिर ये अपना इंडिया आ गया, और इंडिया में कहाँ पे था ये, समुद्र के रास्ते आया होगा, तो मान लो हम यहाँ पे महाराष्ट्र पोर्ट के आसपास कहीं मान लेते हैं। अब इसको बंद करते हैं, जरा मैप को अब देखो। आपका जो पैकेज है सर, एक बात बताओ, वो वर्ल्ड टूर पे तो नहीं निकल गया कहीं, जो आपका प्रोसेसर आना था वो वर्ल्ड टूर तो नहीं करने लगे कि यार इंडिया में तो कोविड है मैं घूम लूँ, बाहर पता चला बाहर भी कोविड है तो बचते हुए नाच रहा है, फेरी से आ रहा है। तो सर एक चीज़ देखो, ये कोई सी रूट नहीं बनता यहाँ से मैक्सिको से इधर का, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद वेनेजुएला से कहाँ पे आ रहा है सर ये, कौन सी जगह थी ये, मैं तो भूल भी गया, माली, माली में, माली के बाद फिर आपका कहाँ रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल प्लेट से फिर यहाँ पे सूडान आ गया, सूडान के बाद इंडिया, और अभी तो एक वो कंट्री थी ना, निगर, नाइजीरिया, निगर, येरी, नाइगर, जो भी इसकी प्रोनंसिएशन होगी मुझे नहीं आ रही है, तो नाइजीरिया के ऊपर। अब इतनी कंट्रीज से कोई पार्सल घूम के क्यों आएगा, और आएगा तो सर वो 1 हफ्ते में कभी नहीं आ सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि जो फेरीज हैं, जो शिप हैं, वो या जो हमारी बड़ी बड़े जहाज होते हैं जिनमें हम सामान पहुंचाते हैं, मैं बड़े डिटेल में बस इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप समझ पाए कि ये फ्रॉड चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो वो कुछ इस तरीके का रूट अपना सकते हैं। पुर्तगाल से यहाँ से होते हुए रेड सी से आ सकते हैं वो, ठीक है, उसके अलावा रेड सी के अलावा फिर बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी से होते हुए हमारे पोर्ट पे आएंगे, इतना लंबा रूट भी नहीं बनता। अगर बाय एयर आते हैं तो सर इतना घूमने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इंडिया में आके हमारे कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका प्रोडक्ट आना चाहिए था।
पर आपने इस मैप पे फोकस ना करते हुए फोकस कहाँ करा, बस जो उन्होंने आपको 5-6 हज़ार रुपये का ऑफर दे दिया और आप उसके लालच में आ गए और आपने नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं, आपका पैसा निकलवाने का एकमात्र जरिया है। तो ये एक स्कैम की डिटेल थी कि किस तरीके से ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं। कहीं से भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट की पॉलिसी ये कहती है कि भैया अगर आपने इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट परचेस करा है तो आपको पेमेंट करनी है अपने सेलर को, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू करिए ताकि कुछ भी होता है भविष्य में तो उसका हम आपको एक रिटर्न दे पाएँ, आप क्लेम कर पाएँ ऑफिशियली। आप डायरेक्ट जो सेलर है उसके कहे मुताबिक पेमेंट मत करिए उसके पर्सनल अकाउंट में, आपको घाटा हो सकता है अगर वो फ्रॉड निकल गया। और ऑनलाइन स्कैम्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना, चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब करना, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं स्कैम से आपको बचा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना और ये ज़रूर बताना सर आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा एक चीज़ जानने में जो मेरी सबसे बड़ी दिलचस्पी है वो ये है कि क्या आपने ये वीडियो शेयर करी है, अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कितने लोगों को आपने शेयर करा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ये स्कैम्स की वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर रखी है एक सीरीज़ जिसमें मैं आपको ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज भी सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कल को मान लो जो 12वीं पास कर रहे हैं या आप ग्रेजुएटेड हैं उनको जॉब ढूंढने में दिक्कत ना हो, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसके आप शिकार ना हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ स्कैम से नहीं बचाने की कोशिश कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एक रोजी रोटी से भी ऊपर के इनकम का एक बंदोबस्त हो जाए, और इन चीज़ों के लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा है, ये सब डोनेशन पे चलता है जो भी आप लोग मुझे डोनेट करते हैं। तो इसी के साथ गाइस बाय बाय, टेक केयर। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर या फिर ऑनलाइन किसी भी फ्रॉड के ऊपर, इन वीडियोस को बनाने में मेरा बहुत टाइम जाता है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं, उसके अलावा लगभग पूरा दिन ही चला जाता है, इवन कई बार रातें भी ऐसी निकल जाती हैं जिनमें सोने का टाइम नहीं मिलता, किस लिए, सिर्फ ये FIR ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करने में, ईमेल्स लिखने में। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं जिनसे फ्रॉड हो रहा है ज़्यादातर मासूम लोगों के साथ, उनको बंद कराने में, और आप लोगों को पता है कि इन सारी सर्विसेज के चार्जेस मैं नहीं लेता, क्योंकि जब भी मेरे पास किसी का फ़ोन आता है तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, मैं उससे क्या पैसे मांगूँ, वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पर है कि वो सर्वाइव कर रहा है अभी। तो गाइज इसीलिए अब हालात मेरे भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ऑलरेडी मेरी जॉब जा चुकी है, फिलहाल अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, फुल टाइम फाइट कर रहा हूँ #NoMoreScams यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हमारे देश में चल रहे हैं। आप भी अपना योगदान इन फाइट्स में दे सकते हैं, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट मुझे डोनेट करके, कोई भी एक छोटी सी टिप मुझे डोनेट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर आपको 2 QR कोड नज़र आ रहे होंगे, उनमें से किसी के भी थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI एड्रेस आ रहा होगा, उसकी मदद से भी आप डोनेट कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए हुए इस पैसे का भी मैं यूटिलाइज करूंगा इस ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, और जितने भी ज़्यादा फ्रॉड्स हमारे देश में हो रहे हैं उनको रोकना ही नहीं, सिर्फ उनको करने वालों को अरेस्ट करवाने के लिए भी उसका मैं यूज़ करूंगा। और दोस्तों मेरा साथ दीजिए इन स्कैमर्स को रोकने में और उन मासूम लोगों को बचाने में जो इन स्कैमर्स की वजह से सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तक त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार।